तुम कितना भी प्रयत्न कर लो, हार तुम्हारी होगी, क्योंकि इस संसार में मुझे कोई नहीं मार सकता, ना मैं नर से मर सकता हूं, ना पशु से, ना देव से, ना दैत्य से, ना दिन में ना रात में, ना अस्त्र से, ना ही शस्त्र से, ना घर में ना घर के बाहर, ना पृथ्वी पर ना आकाश में, इस ब्रह्मांड में ना कोई मेरा शत्रु है, ना ही कोई शक्तिशाली योद्धा, क्योंकि मैं अमर हूँ, अमर हूँ, अमर हूँ। असुर तू मृत्य है, हा हिरण्यकशिपु तू नश्वर है, आज तेरा संहार तेरे वरदान के सभी मापदंडों के अनुरूप ही होगा। देख हिरण्यकशिपु, तू ना घर में है ना घर के बाहर, तू चौखट पर है, ना तू पृथ्वी पर है ना आकाश में, तू नरसिंह की गोद में है। नरसिंह ना तो तेरा शत्रु है, ना तुझसे अधिक शक्तिशाली योद्धा है, ना ये मनुष्य है ना ही पशु, ना देव है ना असुर, ना दिन है ना रात, और ये ना तुझे अस्त्र से मारेंगे ना शस्त्र से, तेरा अंत होगा इनके नाखूनों से। नारायण का ये रुद्र रूप क्रोध बस अनियंत्रित ही हो रहा है, ब्रह्मांड में प्रलय जैसी स्थिति निर्माण हो रहा है, नारायण को रोकना अति आवश्यक है। समय आने पर तुम्हें अपनी समस्त प्रेम की शक्ति को जागृत करना होगा, प्रेम की महापरीक्षा का क्षण आने को है। मैं समझ गई नारायण, आपका अर्थ क्या है, यही ना जब आपका रुद्र रूप अनियंत्रित है, ब्रह्मांड का नाश होने वाला है, जहां कोई देवता आपके इस क्रोध का सामना नहीं कर सकता, वही मैं अपनी समस्त प्रेम की शक्ति जागृत कर निर्भय होकर आपके क्रोध का सामना करूं। मैं ये अवश्य करूंगी, प्रेम की इस महापरीक्षा में नारायण लक्ष्मी का ये परिशुद्ध प्रेम और भी दृढ़ होगा। नरसिंह नारायण शांत हो जाइए, अन्यथा पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगा। शांत हो जाइए देव, हिरण्यकश्यपु का अंत हो चुका है, संसार में धर्म की स्थापना हो गई है, अब आपको अपने क्रोध को त्यागना होगा।
प्रहलाद, अपने भगवान से मिलो। इस प्रकार धर्म की स्थापना के लिए ये नन्हा सा बालक, ये नन्हा सा भक्त प्रहलाद स्वयं अपने पिता हिरण्यकशिपु से लड़ा। देवी लक्ष्मी स्वयं नारायण के क्रोध से लड़ी और उसने विजय भी प्राप्त की। और राधा, इसी प्रकार तुम्हें अपने प्रियजनों के मन के भीतर जो पाप है उससे लड़ना होगा। और यही है प्रेम का चौथा वचन रथ, यही इसका सार है। यदि आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो तो उसके मन के भीतर के पापों से आपको लड़ाई लड़नी होगी। यदि आपका प्रेमी अधर्म के मार्ग पर चले तो उसे धर्म के मार्ग पर पुनः लाना होगा, और उसे पुनः धर्म के पथ पर लाने के लिए हर संभव प्रयास करना पड़े करो। उसके लिए यदि बल का उपयोग भी करना पड़े तो वो भी पूर्णतः उचित होगा, वो भी न्याय संगत होगा राधा। किंतु कृष्ण प्रहलाद के साथ नारायण थे और नारायण के साथ लक्ष्मी, और वैसे ही तुम्हारे साथ तुम्हारा कृष्ण है राधा। तुम साथ कहाँ हो, तुम तो जा रहे हो। कृष्ण, पहली बात तो ये है कि यदि मेरे अपने मुझे हानि पहुंचाए ये तो असंभव है, किंतु यदि फिर भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो तुम ही सोचो, मेरे तो इतने सारे लोग प्रिय हैं, समस्त वृंदावन, समस्त बरसाना, उसके सारे लोग। यदि इतने सारे लोग मेरे विरुद्ध खड़े होंगे तो मैं उनका सामना अकेले कैसे कर पाऊंगी। इस समस्या का समाधान मैं तुम्हें अवश्य दूंगा राधा। यदि राधा स्वयं की रक्षा करना चाहती है तो कृष्ण उसकी सहायता अवश्य करेंगे। अपनी आंखें बंद करो। अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो राधा। अब मैंने तुम्हें संसार का एक बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र प्रदान किया है राधा। जब भी तुम्हें स्वयं की रक्षा करनी होगी बस मन से मुझे स्मरण कर देना। यह शस्त्र तुम्हारी रक्षा करने के लिए अपने आप प्रकट हो जाएगा। नहीं कृष्ण, ऐसा नहीं कर सकती। यदि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होने भी वाली है तो तुम यही रहोगे मेरे साथ, तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। मुझे क्षमा करना राधा, किंतु मेरा प्रेम और मेरा धर्म इस समय यही मांग रहा है, मुझे जाना होगा। स्वयं पर विश्वास रखना।